इधर आओ बेटा, तुम परेशान लगते हो, बताओ क्या बात है? यस सर, हमारी मैम ने हमें एक निबंध दिया था किसी सफल व्यक्ति के बारे पे लिखने पर, तो हमें मिल नहीं रहा है। परेशान मत हो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने जीवन में हर समय हर जगह सफलताएं हासिल की, और निश्चित तौर पे तुम एक अच्छा निबंध लिख पाओगे। यस सर। एक काम करो, आप सब इधर आ जाओ। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिन्हें शायद हम अपने जीवन में हर रोज देखते हों, लेकिन किसी को देखकर उसके जीवन और सफलताओं के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन में चार बड़ी सफलताओं को हासिल किया है। हम शायद उन्हें रोज भी देखते हैं, लेकिन उनके विषय आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से सफलता हासिल की, और इनकी सफलता के पीछे जो राज है वो सिर्फ एक ही है, क्योंकि वह अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार थे। 17 मार्च 1951 इनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। यह अपने माता पिता के चौथे संतान थे, और इनके अतिरिक्त भी परिवार में दो भाई बहन और थे। इनके परिवार में आर्थिक तंगी होने के कारण इनकी माता कपड़े सिलकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी, और इस प्रकार से बचपन से ही इन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपने जीवन में बहुत सी कमी घटियों को देखा, और इसी प्रकार से ये अपने जवानी की अवस्था में भी पहुंचे। इन्होंने क्रिश्चियन हाई हिंदी मीडियम स्कूल से अपने हायर सेकेंडरी एग्जाम को पास किया, और जिस उम्र में बच्चे खेला कूदा करते हैं उस उम्र में इन्होंने मेहनत को और समर्पण को अपने साथ रखा, और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले गए। मामा, ओ मामा, देखिए मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ मैट्रिक में। अरे वाह, मेरे लाल, मेरे बेटे, ईश्वर तुझे अच्छा रखे, ईश्वर तुझे और बढ़ाए। जी माँ। बेटा, पर तू जानता अपने परिवार पे मुझ पे कितना बोझ है, हमसे जितना बन पड़ा हमने तेरे लिए किया, अब आगे तू अपने जीवन का देख बेटा, ईश्वर तुझे समझ दे, बुद्धि दे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। ईश्वर, तूने आज तक मेरे परिवार की सुधि ली है, और आज मैंने अपने बेटे को तेरे हाथों में सौंपा है, और मुझे विश्वास है पिता, तू उसको भी उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देगा, और उसे तू एक जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बनाएगा। आमीन। केवल 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने मैट्रिक एग्जाम को पास किया, और उसके बाद इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, और यहीं हमारे पचपेड़ी जबलपुर में जहाँ की एयरफोर्स एकेडमी का ऑफिस है वहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ, और उनको एयरमैन के रूप में रिक्रूट किया गया। एयरफोर्स में भर्ती होने के बाद भी इन्हें काफी फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, पर हाँ, इन्होंने उन चुनौतियों का सामना भी हंसते हुए किया। महज 25 रुपए इनके जीवन की पहली आमदनी थी जिससे इन्होंने अपने जीवन के सफर को शुरू किया था, और इसके बाद उनको आगे की ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर भेजा गया, जहां पर एक साल की कड़ी मेहनत के बाद ये एयरक्राफ्टमैन के रूप में बाहर निकले। इंडियन एयरफोर्स में सेवा देने के दौरान प्रमोशन के लिए GEB अर्थात क्राउन एजुकेशन बोर्ड के द्वारा रिटन परीक्षाएं ली जाती हैं, और जहां पर इन्होंने भी परीक्षा दी, और इसके बाद इनको कॉर्पोरल का रैंक प्राप्त हुआ।
ग्राउंड एजुकेशन बोर्ड की यह परीक्षा ग्रेजुएशन के बराबर ही मानी जाती है, जो कि भारतीय सरकार द्वारा प्रमाणित है। इस परीक्षा को इन्होंने सरलता से पास किया। वो कहते हैं ना कि जिसे ऊपर वाला मिलाना चाहे वो उसे कहीं भी मिला सकता है, फिर चाहे वो जबलपुर हो या शहर गाजियाबाद। और यहीं पर एक ट्रेन के डिब्बे में इनकी मुलाकात हुई कुमारी शिप्रा शीला पांडे से। दो अजनबी पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन इनके विचार एक होने के कारण इन्होंने आगे अपने जीवन को साथ में जीने का फैसला किया। और 14 मई 1980 में इनका विवाह लेफ्टिनेंट शीला पांडे से जबलपुर के डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट सीएनआई में हुआ। जबकि ये दोनों ही अपने देश की सेवा कर रहे थे, इन्होंने साथ में ये प्रण लिया कि हम अपने परिवार के साथ अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे। और कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने इन्हें बेटा देकर आशीषित किया। 1 जून 1982 में इनका प्रमोशन सर्जेंट के रूप में हुआ। इंडियन एयरफोर्स में 15 वर्ष कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ सेवा देने के बाद इनका बॉन्ड पूरा हो गया और ये 30 सितंबर 1983 को इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए और इन्हें एग्जेम्पलरी करेक्टर एंड गुड कंडक्ट का रिमार्क भी मिला। और फिर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद ये रुके नहीं। 1 दिसंबर को 1983 में इन्होंने शहपुरा भिटौनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ कैशियर जॉब पाई। मिलनसार, प्रेमी स्वभाव, अपने से नीचे तबके के कर्मचारी हो या फिर इनके साहब, सबकी मदद करना, आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की सहायता करना, इस प्रकार का स्वभाव है इनका। और इसी बीच परमेश्वर ने इन्हें एक बेटी देकर भी आशीषित किया। बैंक में कोई भी आए, चाहे वो कर्मचारी हो या कस्टमर, सबकी सहायता करना ये अपना धर्म समझते थे। इसके बाद ये अपनी कलीसिया जबलपुर में अर्थात डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट सीएनआई में अपना योगदान देने लगे। और इसी दौरान सन 1985 में इन्होंने जबलपुर अपने चर्च में डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट सीएनआई में पास्टरेट कमेटी में स्थान पाया और उसके बाद ये चर्च के विभिन्न समितियों में अलग अलग कार्यों में अपना पूरा योगदान देते चले गए, चाहे वो छत के सुधार का कार्य हो या फिर बिल्डिंग को ठीक करने का कार्य हो। मैं और मेरा घराना सदा मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इस बाइबल के वचन को इन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी प्रतिज्ञा बना ली, जिसे निभाने के लिए सदा तत्पर ये रहने लगे। ये अपने मित्रों, सहपाठियों और सगे संबंधियों के साथ मिलकर निरंतर कलीसिया में अपना अधिक से अधिक समय देने लगे और सदा ये परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहते। किसी भी प्रकार का कार्य हो, परमेश्वर को कोई भी प्रयोजन हो, ये हमेशा उपस्थित रहते। जब व्यक्ति सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है तो दो प्रकार के लोगों से उनकी मुलाकात होती है। एक वे जो उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और दूसरे वे जो टांग पकड़कर नीचे खींचते हैं। जीवन में कठिन समय आता है। इनके जीवन में भी एक कठिन दौर आया जब ये काफी अकेले हो गए थे।
सफलता यूं ही हासिल नहीं होती। सफल व्यक्ति बनने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जब आप एक बार बुलंदी पे पहुंच जाते हैं तो शायद आपके अपने भी आपके विपरीत दिखाई दें। कई बार लीडरशिप में आपको बेइज्जती के घूंट भी पीने पड़ते हैं, लेकिन सचमुच सफल वही होता है जो अंत तक डटा रहे, और एक ईमानदार संघर्ष करने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा सफलता और बुलंदियों को हासिल करता है। लेकिन इन्हें विश्वास था कि यदि आज काली रात है तो कल जगमगाता हुआ सवेरा इनका इंतजार कर रहा है। आंधी आई, तूफान आया, पर कोई इन्हें डिगा नहीं सके। कलीसिया के प्रति इनका सकारात्मक स्वभाव, इनके पॉजिटिव बिहेवियर ने इन्हें अपने स्थान पर मजबूत रखा। और जब ये 60 वर्ष के हुए तब 31 मार्च 2011 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 वर्ष अपनी सेवा देने के उपरांत ये रिटायर हुए। लोग आते गए, जाते गए, समय भी आगे चलता गया, बदलता गया, लेकिन ये अपने स्थान पर बने रहे और परमेश्वर इन्हें सफलता के अगले अगले पायदानों पर उठाता चला गया। एयरफोर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पास्ट्रेट, डायसिस और उसके बाद सिनेट में लीडरशिप, और अब मैनेजर ऑफ क्राइस्टचर्च बॉयज स्कूल। बिल्कुल सही, श्री सुरेश कैरल जी।